हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है। जिस नारी के शरीर को कभी पवन ने न छुआ हो, कभी सूर्य के प्रकाश ने न देखा हो, उसकी स्वयं अपने घर में पितामह ज्येष्ठ पिताश्री आचार्य द्रोण कुलगुरु कृपाचार्य के होते हुए भी उस नारी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया गया है। गुरु जीवन प्रणाली में ये कोट कहां से आ गया कि वह चुपचाप बैठे अपनी कुल वधु के चीरहरण का ये भयानक दृश्य देखते रह गए। आप सब सुने, इस निर्लज और कायर से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी पंचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्र वधु आप सबको शाप देती है कि नहीं। पुत्री दासी, मुझे मेरी पुत्र वधु द्रौपदी के पास ले चलो। द्रौपदी, मैं ऋतु स्नान के बिना आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकते ज्येष्ठ माता श्री। पुत्री, मेरी पुत्री, ना पुत्री, ना पुत्री, ना, ना, ना रो। दुर्योधन। जी माता श्री। भाभी का वस्त्र हरण तो करवा चुका, अब दुशासन से कहे कि वो तेरी मां गांधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है निर्लज्ज? आदेश दे अपने भाई को। प्रातः शकुनी, कहिए अपने प्रिय भांजे से कि माँ का एक कहना तो मान ले। तेरे जन्म पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था कि तुझे मार डालने में ही हस्तिनापुर की भलाई है, पर पुत्र मोहने मेरे और तेरे पिताश्री के हाथ पकड़ लिए थे। यदि उस दिन हमने विदुर जी का कहा मान लिया होता तो तेरे कारण ये भरतवंशियों अपमानित न हुआ होता। भरतवंश के पूर्वजों, आपकी ये कुलवधु गांधारी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है कि इस वंश के अपमान का अंकुर मेरी ही कोख से फूटा है। जिस वंश में आज तक किसी का हाथ किसी दासी के वस्त्र तक न पहुंचा हो, उसे कुरु राजवंश में भरत के उत्तराधिकारी का हाथ आपके पुत्र वधु के वस्त्र तक पहुंच गया और आपने कुछ न कहा। आपको सती के शाप का डर भी नहीं लगा रे पुत्र। यदि द्रौपदी कह दे तो भूमि आपको अनाज देने से, चांद आपको चांदनी देने से, नदी आपको पानी देने से और
माँ भी इस सती के शाप को रोक नहीं सकती। अरे पुत्र रोक नहीं सकती। पुत्री तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है, शाप न देना, इस वंश को शाप न देना। ये लोग जैसे भी हो, ये लोग मेरे हैं, ये लोग तेरे हैं पुत्री। अपने पिता महाभीष, काका श्री विदुर, ज्येष्ठ पिता श्री गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य को क्षमा कर दे पुत्री, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैं और तू सबको क्षमा कर दूंगी, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण और गंदा नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं समझती हूँ पुत्री, मैं तेरा दुख समझती हूँ, परंतु दुर्योधन और दुशासन मेरे पुत्र हैं। वो जैसे भी हो, पुत्र तो मेरे ही हैं। मैं तुझसे विनती करती हूँ, उन्हें शाप न दे पुत्री, उन्हें शाप न दे। आप भी कुछ कहिए आर्य पुत्र, मैं मानती हूँ आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं। हाँ, कांधारी ठीक कह रही है, मैं देख तो नहीं सकता पर सुन तो सकता हूँ, सोच तो सकता हूँ। मैं अपने पूर्वजों पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य को और अपने प्रिय पांडवों और कुलवधु द्रौपदी को साक्षी मानकर ये कह रहा हूं कि मैं इसी योग्य हूं कि इस देश का वर्तमान और भविष्य मुझे कभी क्षमा ना करे। पुत्री पांचाली मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। पुत्री यदि तुमने अपने ज्येष्ठ पिताश्री को क्षमा कर दिया हो तो कुछ वरदान मांगो पुत्री। मांग ले पुत्री, मांग ले, जो जी चाहे मांग ले। हाँ। यदि ज्येष्ठ पिताश्री मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मैं सम्राट युधिष्ठिर के लिए दासत्व से मुक्ति मांगती हूँ कि हमारे पुत्र दास पुत्र न कहलाए जाए। मैंने प्रिय युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त किया कल्याणी, कुछ और मांगो। अब मैं शेष पांडवों के लिए भी यही मांगती हूँ, और मुक्ति के साथ साथ उनके शस्त्र, अस्त्र और रथ भी। मैंने ये भी दिया कल्याणी, पर तुम्हें देने से मेरा जी नहीं भरा है, कुछ और मांगो। लोक और धर्म में आग और पानी का बैर है महाराज, क्षत्रिय नारी को दो से अधिक वरदान मांगने का अधिकार भी नहीं होता महाराज। परंतु ज्येष्ठ पिता को देने का अधिकार तो होता है पुत्री। प्रिय युधिष्ठिर आज की इस द्युत क्रीड़ा में जो कुछ भी हारा है वो सब देता हूं। ये तो आप अपने पुत्र ही से पूछिए,
कि वे हारा हुआ राज्य यूं ही लेना चाहती भी है या नहीं।